बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। खादिम हरमैन शरीफैन अल मलक सलमान की जानब से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो न्यूज़ और वीडियोज़ जो हैं वायरल की जा रही हैं। बोला जा रहा है कि अल मलक सलमान जो हैं वो वफात पा चुके हैं, लेकिन जो मीडिया है उनकी वफात को जो है वो शो नहीं कर रहा, इस खबर को अभी तक नहीं निकाल रहा। तो इस खबर में कितनी सच्चाई है, कितनी जो है वो सदाकत है, वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। जो बार बार सोशल मीडिया पर न्यूज़ फैलाई जा रही हैं कि किंग सलमान जो हैं वो वफात पा चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे अखबार 24 सऊदीया की जानब से एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने वाज़े कहा है कि किंग जो सलमान हैं उनकी कोलोनोस्कोपी जो है वो होने जा रही है किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जिद्दा में, और उनको वहाँ पे एडमिट किया गया है एमरजेंसी में। तो सबको यही कहा जा रहा है कि उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें, उनका ऑपरेशन हो रहा है, उनका जो ऑपरेशन है वो कामयाब जो है वो हो जाए। तो सबको दुआ के लिए कहा जा रहा है, और सोशल मीडिया पर भी कोई ऐसी न्यूज़ जो है जो इनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैं या इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट्स हैं उन पर कोई ऐसी खबर नहीं है। ये लोगों ने बस एक ट्वीट को गलत समझ लिया है, किसी ने गलत कोई ट्वीट कर दी है, उसी को आगे न्यूज़ बनाकर जो है वो फेक बना के भेजा जा रहा है। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अल मलक सलमान जो हैं वो बीमार हैं, बीमार होने के बायस उनकी जो है वो कोलोनोस्कोपी की जा रही है किंग फहद हॉस्पिटल में, और वो एडमिट हैं एमरजेंसी में। ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। जो लोग भी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं उन भाइयों से गुजारिश है कि ऐसी फेक न्यूज़ ना फैलाया करें, ये आपके लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है, क्योंकि सऊदी अरबिया में ऐसी भी कोई फेक न्यूज़ जो है वो नशर नहीं करनी चाहिए, उल्टा आपके लिए जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को इस खबर की तस्दीक पता चल गई होगी। यहाँ पे आप उन्हें अखबार 24 आवर की ट्वीट भी दे सकते हैं जिसमें उन्होंने वाज़े कहा है कि परफॉर्म्ड अ कोलोनोस्कोपी एट किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन जद्दा एंड द रिज़ल्ट वाज साउंड, प्रेज बी द गॉड, के खुदा से दुआ करें जल्द ही उनकी जो कोलोनोस्कोपी जो है वो हो जाएगी और उसकी सेहतयाबी का ऐलान भी हो जाएगा। तो दुआ कीजिए आप भी। काफ़ी जो है आपको पता है कि मलक सलमान के दौर में जो है मज़दूरों के लिए बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो लाई गई थी, बहुत जो है चीज़ें मज़दूरों के हक़ में फ़ैसला अच्छे करते हैं। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनको सेहतयाबी अता फरमाए। तो इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।